हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फॉरेन ग्रिप पकड़ते हो तो कौन मिस्टेक है जो आप करते हो और आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फॉरेन ग्रिप सही से नहीं पकड़ोगे तब तक आप कोई भी शॉट अच्छे से नहीं मार सकते हो। तो सही तरीके से ग्रिप पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो आज हम जानते हैं कि ग्रिप को सही कैसे पकड़ना है और कैसे पता लगे कि आप गलत पकड़ रहे हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जब आप ग्रिप पकड़ते हो फॉरेन ग्रिप, तो जो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक होता है वो होता है ये, देखो इस तरह से, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको गलत कैसे नहीं पकड़ना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सही कैसे पकड़ना है। तो सबसे पहला ग्रिप जो कॉमन मिस्टेक होता है वो होता है ये, जिसमें आपको देखोगे तो आपको इसमें क्या कॉमन मिस्टेक लग रहा है, चलो बताओ खुद से। देखो इसमें क्या है, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो नीचे है, यानी कि सबसे ऊपर क्या है, थंब, फिर इंडेक्स फिंगर और उसके बाद रेस्ट ऑफ द फिंगर्स है। तो देखो ये ऐसे पकड़ा है ना मैंने, तो ये गलत है, ठीक है। ये गलत क्यों है, इसमें क्या हो रहा है कि देखो ये पूरा रिस्ट लॉक हो रहा है और मैंने रैकेट को पूरा टाइट से पकड़ा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि मैं ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाता हूँ और अपने हैंड मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, तो ये गलत है, आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कॉमन मिस्टेक होता है ये होता है। अब जो दूसरा गलती होता है वो होता है ये, देखो, ठीक है। अभी देखो ऐसे पकड़ा है और ये जो फ्लैट एरिया है, ठीक है, मैंने पहले बताया था ये कौन सा एरिया होता है, ये होता है साइड एरिया और ये होता है फ्लैट एरिया। तो आप जब रैकेट पकड़ रहे हो तो आपको अपने फ्लैट एरिया पे ऐसे अपने इंडेक्स फिंगर को नहीं रखना है, ठीक है। ये मिस्टेक है, कभी भी आपको ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो देखो ये रैकेट को कभी नहीं करना है, और ये कब होता है, जब आप कोई शॉट मार रहे हो तो ज़्यादातर चांस होता है ये उसी टाइम पे आपका फिंगर ऐसे होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आप ऐसे पकड़े होते और मारते समय ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप इस समय भी अपने शॉट को ज़्यादा ऐसे नहीं मार पाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसे भी नहीं पकड़ना है। अब जो एक मिस्टेक होता है वो क्या है कि आप ग्रिप सही पकड़ते हो, बस इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है जो आपको पता नहीं चलता है। इसमें क्या होता है कि आप रैकेट को सही से फॉरेन पकड़े हो, ठीक है। देखो अभी आप देखोगे इसको तो आपको इसमें कोई मिस्टेक नहीं लगेगा, ठीक है। देखो ये फॉरेन ग्रिप है ना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बट इसमें एक मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है, आप देखो ये जो मेरा फिंगर है, ठीक है, ये सबसे ऊपर मेरा इंडेक्स फिंगर, फिर थंब और उसके बाद ये रेस्ट ऑफ द फिंगर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, देखो इसके और इसके बीच में गैप नहीं है, ठीक है ना, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। इसकी वजह से गैप ना होने की वजह से फिर मैं यहाँ पर पावर जनरेट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। कितना गैप, देखो ये इतना गैप, ठीक है। अभी देखो ये गैप है ना, अभी देखो इसमें कम से कम ये जो उंगली है, दो उंगली आराम से ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। दोनों तो कम से कम डेढ़ तो जाना ही चाहिए, 1.5 उंगली जो है इसमें जाना चाहिए अंदर, ठीक है। तो ये जो होता है ये इसको ऐसे पास ना रख के इसको ऐसे दूर रखना होता है, ठीक है। अब जब आप कोई भी फॉरेन शॉट मार रहे हो तो जो एक फोर्थ कॉमन मिस्टेक होता है वो होता है कि आप मारते समय रैकेट को ऐसे कर लेते हो, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है कि मेरा थंब यहाँ पे आ गया फ्लैट एरिया पे और मेरा रेस्ट ऑफ द फिंगर इसके पीछे, मतलब जो रैकेट का फ्रंट साइड है यहाँ पे मेरा थंब आ गया, ऐसे करके मैं शटल को मार रहा, ठीक है। शटल आ रही है तो मैं ऐसे करके मार रहा, ऐसे करके भी नहीं मारना होता है। इस समय भी आप ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकते, ये तो ग्रिप ही गलत है, ये फॉरेन ग्रिप है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी पकड़ के मारोगे तो भी आप शॉट को नहीं मार सकते हो। तो अभी मैंने आपको कुछ जनरली जो कॉमन मिस्टेक होता है वो बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सही तरीके से कैसे पकड़ना है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था ग्रिप क्रैशन के ऊपर, जिसमें मैंने फॉरेन एंड बैक हैंड में आपको कैसे रैकेट पकड़ना है और आप सही से पकड़ो, आप कैसे जानो, आपको पता चले कि आप सही पकड़ो या नहीं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लो। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ से कुछ और भी जानने को मिलेगा। तो देखो अभी आपको रैकेट कैसे पकड़ना है, कुछ नहीं है, क्या करते होता है रैकेट को ऐसे वर्टिकल करना है, उसके बाद इसे हैंड चेक करते हैं, जैसा किसी आप हैंड चेक कर रहे हो, ठीक है। तो देखो ये अब यहाँ से ऐसे हैंड चेक किए, जब आप इसे हैंड चेक करोगे तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है, क्या कि यहाँ पे एक वी बनता है, वी लेटर, देखो ये वी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वी वी फॉर वैन, ये यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ये होता है आपका साइड एरिया में, ठीक है। एक और जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, जब मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे वी बनाना है तो लोग वी कैसे बनाते हैं, देखो वी कैसे बनाते हैं, ये देखो अभी मैंने देखो ये भी गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है, अभी देखो ये ऐसे, अभी ये मैं ऐसे वी बना रहा हूँ, ठीक है ना, वी कहाँ पे बन रहा है मेरा, फ्लैट एरिया पे। तो ये भी एक मिस्टेक ही है, वी कहाँ पे बनता है, हमेशा आपको ध्यान देना है वी जो बनेगा आपका वो साइड एरिया पे, साइड एरिया यानी कि ये देखो ये साइड एरिया और ये फ्लैट एरिया, ये फ्लैट मतलब जो फ्रंट साइड में होता है ये फ्लैट होता है, ठीक है, बैक साइड में ये फ्लैट, फ्रंट में फ्लैट, दो फ्लैट एरिया होता है रैकेट में, ठीक है। तो आपको वी जो है फ्लैट एरिया पे ना बना के आपको साइड एरिया बनाना है, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा वी बन गया, ये मेरा है फॉरेन ग्रिप, देखो अब ये मेरा फॉरेन ग्रिप है, ठीक है। अब थंब, अब इस थंब को कहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, कहाँ पे रखे, ठीक है। तो देखो यार इसके लिए भी एक डिफरेंट चीज़ है कि फॉरेन जब भी आप मारने जा रहे हो तो आपको जरूरी नहीं कि फॉरेन में आपको हमेशा यहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टाइम आपको ये ग्रिप चेंज करना होता है। तो अभी आपको मैं उतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्रिप चेंज के ऊपर ये वीडियो बना रखा था कि आपको रैकेट कहाँ पकड़ना है, कब पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, आप वो भी वीडियो देखो तो वहाँ से आपको पता चलेगा,
ठीक है। तो अभी आपको जो जनरली करना है फॉरेन ग्रिप में, जो कॉमन फॉरेन ग्रिप है उसमें आपको क्या करना होता है, इसके साथ हैंडशेक किए, सबसे ऊपर आपका आया इंडेक्स फिंगर, उसके बाद आपका ये थंब, और जो थंब रहेगा वो रैकेट के यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ऐसे देखो ये थंब को यहाँ पे रखें, और इसके बाद ये तीनों रेस्ट ऑफ द फिंगर नीचे इसके, ठीक है, जस्ट नीचे। अभी देखो मैंने रैकेट को ना तो ऊपर पकड़ा ना तो नीचे, मैंने इसके ऊपर भी रैकेट बनाया था कि आपको रैकेट को एक्चुअली में कहाँ पे एग्जैक्टली में होल्ड करना होता है, ठीक है, आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हो। अभी देखो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, अब आप देखना तो आप वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखो तो मेरा जो करेक्ट ग्रिप है वो हमारा ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, देखो ये हमारा है करेक्ट ग्रिप, ठीक है, ये तो हमारा फॉरेन ग्रिप, हमें ऐसे पकड़ना है। सो आई होप अभी मैंने आपको क्लियर किया होगा कि आपको रैकेट कैसे पकड़ना है और कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है। अगर अभी आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन ग्रिप आप जब कमर तुम बैठ जाओ यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरे को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फॉरेन ग्रिप पकड़ रहे हो तो वो कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है, क्योंकि जनरली मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। ओए तुम लोग हल्ला नहीं करो यार, आवाज आ रहा है, मुंह बंद करो ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल। फिर साला भग भी कर रहा है।